रेडी? यस सर। पादपों में जल का परिवहन, पादप माने पौधे, ये पौधा दिख रखा है। जल, जल माने पानी, पानी। और परिवहन माने चलना। हाँ, परिवहन माने किसी चीज को ढोना, है ना। होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्रों द्वारा, पत्तियों के द्वारा। पहले तो ये समझिए होता कैसे सिस्टम चलता है। ये जी एक पौधा हमारा, ये कहलाती है रूट, जड़। रूट माने जड़। और ये तना, स्टेम। और ये कहलाती शाखा, ब्रांच। और ब्रांच में ये पत्तियां। और अगर ये फूल देगा तो इन्हीं के भी कहीं फूल देगा, फ्लावर। और फिर अगर फ्लावर टाइम कन्वर्ट होके फल में तो वो फ्रूट्स बनेंगे। ये चीजें होती हैं। अब ये बनता कैसे, होता कैसे है, देखो। ये जो जड़ होती है, जड़ के भीतर नसें होती हैं। एक नस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और एक नस ऊपर से नीचे की तरफ आती है। पहले ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अभी बताने के बाद भी आधे आधे बटे हो, इसका मतलब कंफ्यूजन है। तो जब नीचे से कोई चीज जा रही होती है, जो जड़ नस है, नस की बात कर रहा हूँ, तो जो इसके अंदर से, यहाँ से जड़ के भीतर नीचे नीचे से आ रही है और ऊपर ऊपर जा रही है पत्तियों तक, तो इसे बोलते हैं जाइलम। अच्छा, नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रही है उसको बोलेंगे जाइलम। अब ये जो पत्ती होती है, इसमें देखोगे यहाँ नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे तो नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, ठीक है जी। ये इसका काम क्या है, ये, अरे अरे पहले सुन तो लो, फिर बाद में, फिर अभी कौन क्या करेगा। ये जो पत्ती है, नीचे जो छेद होते हैं, इनको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। दूसरा, और ये ऊपर जो धूप, यहाँ धूप क्या ऐसे रहेगा, तो धूप यहाँ ना पड़ेगी, यहाँ भी पड़ती है। अब ये क्या करता है, ये जो जाइलम है, नीचे से खनिज लवण और पानी खींचती है, और यहाँ तने से होते हुए कहाँ तक ले जाती है, पत्तियों तक ले जाती है, यहाँ तक पहुंच गया। जैसे हम लोग खेत से गेहूं यूं ले आए, धोया घराया, फिर क्या किया, पिसाया और ले आके कपड़ी में डाल लिया, फिर मारते हैं, है ना, टिक्कर मार के फिर पकाते, देन खाते, एक प्रोसेस होती है ना, ऐसे ही होता है। तो ये कहाँ से पकाए, तो ये क्या करता है, यहाँ से खींचने के बाद यहाँ ले आया। अब क्या हो रहा होता है, यहाँ धूप की किरण, सूर्य की किरणें धूप के रूप में इन पे पड़ रही पूरे में। जैसे ही धूप पड़ती है तो ये क्या करता है, गर्म होता है, यानी अपना सक्रिय हो जाता है। और क्या करेगा, यहाँ से पानी आ गया है और खनिज लवण आ गए हैं, और ये जो नीचे छेद होते हैं, जैसे हम लोग ऐसे सांस लेते हैं ना, तो ये यहाँ से सांस लेता भी है। क्या वातावरण में क्या हो जाता है, कई प्रकार की गैसें हैं, तो ये क्या करता है, उन गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। और सोखने के बाद हम भी तो कुछ छोड़ रहे हैं, अब क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली, यहाँ से पानी और खनिज लवण ले लिया, और धूप से पा गया गर्मी, तो क्या होता है, संश्लेषण शुरू हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, पकाना लगते हैं, ये हो ना, ये कैसे पकाता है, इसके पकाने को बोलते हैं संश्लेषण। और ये कहाँ पकाता है, धूप की रोशनी में, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। और हम लोग घर में पकाते हैं तो सीधे सीधे बोलते हैं खाना पकाना, अंदर समझ में आया दोनों। ये जब खाना बनाता है तो इसको बोल देते हैं प्रकाश संश्लेषण। कैसे बनाया, इधर से खनिज लवण पानी खींचा, नीचे इन पत्तियों के छेदों से किसने किया, कार्बन डाइऑक्साइड खींचा, ऊपर से आया प्रकाश, प्रकाश ने इसको क्या किया, गर्मी दिया, और इस गर्मी में इसका संश्लेषण हुआ, अब ये खाना बन गया। ओके, अब क्या करेगा जी, खाना बन गया तो जिनने जिनने भाग लिया है उनको भी दे दो, घर में तो ऐसे करते हो ना, घर में जितने सदस्य सभी खाएंगे, एक ने बनाया खा के मस्त हो गया, काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो अब यहाँ से खींचा है यहाँ तक, अब क्या करेगा, एक दूसरी पाइप होती है, क्या होता है, एक नस इसके अंदर दूसरी होती है, वो ऊपर से नीचे की ओर आ रखी होती है, यानी इन पत्तियों से दूसरी तरह सारे भागों में चली जाती है। जैसे हमारे बॉडी में होती है धमनी, जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, शुद्ध रक्त लेके और अशुद्ध रक्त लेके कौन आता है, सिरा। तो अब इसने अगर खाना बना लिया तो वो क्या करता है, वो फ्लोएम के द्वारा भेजता है, किसके द्वारा भेजता है, फ्लोएम के द्वारा भेजता है, और जब पूरे जगह पहुंच जाता है तो ये ऐसे हरा भरा रहता है। अगर कहीं भी दोनों में अंतर हुआ
और ये मुरझाना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में कहीं अंतर हुआ तो बीमार पड़ेंगे, और बीमार तो जब ज़्यादा ही हो गया तो फिर काम भी तमाम होता है, वही हाल इनका भी होता है। ये बात समझ में आई? तो देखो जी ये क्या होगा, बताओ कौन सा कैंसर होगा? बी बी सरे, अरे ये अभी भी नहीं बता रहे हो भाई, वो नीचे से खींच दे पादपों में जल का परिवहन, परिवहन कहाँ से आएगा? यहाँ से लेके वो तो खाना बनने के बाद भेज रहा है, ये नीचे से खींचेगा ये, और ये तो खाना बनने के बाद भेजेगा, और रंध्रों में तो केवल गैस खींच रखा है, और पत्तियों के द्वारा तो केवल क्या होगा, संश्लेषण होगा। बात समझ में आया?